बाप सोलह मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने न बाप को जाना न मुझे लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए न कही कि मैं तुम्हारे साथ था मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है क्योंकि अगर मैं न जाऊ तो वो मददगार तुम्हारे पास न आएगा लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आयंदा की खबरें देगा वो मेरा जलाल जाहिर करेगा इसलिए की मुझे से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है इसलिए मैंने कहा कि वो मुझी से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे बस उसके बाद शागिदों ने आपस में कहा कि ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है हम नहीं जानते कि क्या कहता है ने जान जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं उनसे कहा कि क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे मगर दुनिया खुश होगी तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा जब औरत जमने लगती है तो गमगीन होती है इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ उस दर्द को फिर याद नहीं करती बस तुम्हें भी अब तो गम है मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे मैं तुम सच सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए मैंने ये बातें तुमसे तमसीलों में कही वो वक्त आता है कि फिर तुमसे तमसीलों में न कहूंगा बल्कि साफ साफ तुम्हें बाप की खबर दूंगा उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ फिर दुनिया से रुख्सत होकर बाप के पास जाता हूँ उसके शागिर्दों ने कहा देख अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं की कोई तुझसे पूछे इस सब ऐसी हम ईमान लाते है की तू खुदा से निकला है यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम अब ईमान लाते हो देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुँची कि तुम सब परागंद होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि बाप मेरे साथ है मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम में इतमान पाओ दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ